दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग मोबाइल के फ्लैश फाइल के बारे में कि परफेक्ट फ्लैश फाइल की पहचान कैसे आपको करना है। मान के चलिए अगर आप z3x बॉक्स यूज कर रहे हैं या आप लेने वाले हैं और z3x बॉक्स अगर आप यूज कर रहे हैं, इसके सेल सेटअप में अगर आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करना नहीं जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि z3x सेल सेटअप से किस तरह से आप फ्लैश फाइल की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा फ्लैश फाइल जो है लेटेस्ट है और कौन सा फ्लैश फाइल ओल्ड है और कौन सा फ्लैश फाइल इसमें जो है इंडियन है, कौन सा फ्लैश फाइल अदर कंट्री का है। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे z3x का सेल सेटअप हमने ओपन कर लिया है, उसके बाद हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस z3x सेल सेटअप से जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे, उसकी पहचान आपको कैसे करनी है कि परफेक्ट फ्लैश फाइल आपका कौन सा है, कौन सा फ्लैश फाइल आपका लेटेस्ट है, कौन सा फ्लैश फाइल आपका ओल्ड है, कौन सा फ्लैश फाइल आपका इंडियन है, कौन सा फ्लैश फाइल आपका जो है अदर कंट्री का है। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अगर आप इन सब के बारे में पहले से ही जानते हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मान के चलिए, जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे एक सैमसंग मोबाइल j210F यानी j2 Pro, ठीक है, उस मॉडल को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और मैंने अपने कीबोर्ड में एंटर दबाया, ठीक है, और एंटर दबाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऊपर में जो है कॉम्बिनेशन फाइल दिखा रहा है, बाकी फाइल जो यहाँ पे जो है फ्लैश फाइल दिखा रहा है, ठीक है। तो बाकी जो फ्लैश फाइल है ये सारी जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी फाइल जो है इंडियन फ्लैश फाइल है। तो इसकी पहचान कैसे होगा आपको कि ये फाइल इंडियन है या किसी अदर कंट्री का है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्लैश फाइल में जो भी, ठीक है, तो इसमें यहाँ बीच में ODD लिखा हुआ है, ठीक है। तो ODD अगर जिस फ्लैश फाइल में लिखा हुआ आप समझ जाइए कि ये फ्लैश फाइल जो है इंडिया का है। और उसके बाद आपको पहचान करना है इस चीज का कि कौन सा इसमें फ्लैश फाइल लेटेस्ट है, कौन सा फ्लैश फाइल ओल्ड है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं साइट में यहाँ पे जो है इसका डेट दिखा रहा है कि कौन सा फ्लैश फाइल 2017 में आया है, कौन सा फ्लैश फाइल 2018 में आया है और 2018 में कौन से महीने में कौन सा फ्लैश फाइल आया है। उस हिसाब से आप जो है फ्लैश फाइल का अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कौन सा फ्लैश फाइल जो है पुराना है, कौन सा फ्लैश फाइल इसमें नया है, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्लैश फाइल का पहचान कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे दूसरे मॉडल को टाइप करके कि उसमें आपको कैसे पहचान करना है कौन सा फ्लैश फाइल जो है अदर कंट्री का, कौन सा फ्लैश फाइल इंडियन है। चलिए हम आपको यहाँ पे दूसरा मॉडल यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाते हैं, जैसे कि मान के चलिए j500F j5 prime। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे दूसरा मॉडल जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं इसमें j500F j5 prime, तो इस मोबाइल का मॉडल नंबर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, उसके बाद हम अपने कीबोर्ड में जो है एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैश फाइल का जो लिस्ट दिखा रहा है, ठीक है, इसमें j500F भी है और अदर मॉडल भी है इसमें। तो सबसे ऊपर में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा, चलिए हम ऊपर थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके दिखाते हैं यहाँ पे कि j500F का जो फ्लैश फाइल है इसमें, तो इसमें बहुत सारा फ्लैश फाइल है, कॉम्बिनेशन फाइल है। इसमें आपको जो जिस तरह मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको इंडियन फ्लैश फाइल की पहचान कैसे करना है ODD के हिसाब से, अगर फ्लैश फाइल में ODD लिखा हुआ है तो वो फ्लैश फाइल इंडियन है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फ्लैश फाइल है तो यहाँ पे ODD लिखा हुआ है, अगर साइड में लिखा हुआ है 19/12/2017, तो यानी ये 12वां महीना में जो है ये फाइल जो है रिलीज हुआ है और उसके बाद इसमें ODD लिखा हुआ है ये इंडियन फ्लैश फाइल है और ये 12वें महीने में जो रिलीज हुआ है 2017 में। तो इस तरह से आप जो है परफेक्ट फ्लैश फाइल की पहचान कर सकते हैं। किसी भी सैमसंग मोबाइल का आप मॉडल नंबर टाइप करेंगे ऊपर में अपने कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो आप फ्लैश फाइल की पहचान कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे वाले फ्लैश फाइल को देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 2018 का ये फाइल है, ये 2018 में ये फाइल जो है रिलीज हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5/5/2018 लिखा हुआ था, यानी 5/5/2018 में ये फाइल जो है रिलीज हुआ था। तो इस तरह से आप जो है इंडियन फ्लैश फाइल की पहचान, यानी कि ODD लिखा हुआ इंडियन फ्लैश फाइल है, इस तरह से आप इंडिया का फ्लैश फाइल का जो है पहचान कर सकते हैं और उसका जो है डेट भी आप यहाँ पे उसकी पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।